स्कोप इंटरनेशनल, क्या सोच के आपने एस्टैब्लिश किया, और जो अभी का ये म्यूजिक एल्बम है मां गुरु के भवन, इसका रिस्पांस काफी इसका उसके उसके बारे में बताइए कहना चाहेंगे। अच्छा, ये जो रील स्कोप फिल्म्स इंटरनेशनल जो हम लोगों ने एक प्रोडक्शन हाउस चालू किया है, बेसिकली वो हम लोगों ने ये सोच के चालू किया है कि हमारे यहाँ पे हम इतना टैलेंट है हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इतना, लेकिन वो सही प्लेटफॉर्म पे शोकास्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है कि जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है हमारी कंपनी उनको प्लेटफॉर्म दे, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। और जैसे कि नवरात्रि है हम सबको मालूम है, तो ये एक हमें एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल गई कि एक शुभ कार्य जैसे हम माना जाता है, शुभ कार्य के हिसाब से हम लोगों ने नवरात्रि का गाना लॉन्च किया है और रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं बस यही जानना चाहूँगी कि जो ऑडियंस है, बिकॉज ऑडियंस हमारे वही सब कुछ है, उनके बिना हम कुछ नहीं, ऑडियंस को कैसा लगता है मुझे बस यही जानना है उनसे। अनूप जी जुड़े हैं इस गाने से, अनूप जी हैं, साधना सरकम जी हैं, और आपके कंपोजर दिलीप सेन जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना का सहयोग मिला उनसे आपको? अनूप जलोटा सर जो हैं, भजन सम्राट के नाम से हम उनको जानते हैं, ऑब्वियसली उनके साथ में काम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ने जब उनको अप्रोच किया, अनूप जलोटा सर को, साधना सरगम मैम को, दिलीप सेन सर को, तो उन्होंने बेझिझक हम लोगों को सीधा हाँ बोल दिया, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारा पहला एल्बम इतने जाने माने लोगों के साथ में निकला है, तो आगे भी बढ़ेंगे तो ऐसे ही बढ़ेंगे। कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपका क्या बैकग्राउंड है, पढ़ाई वगैरह कहाँ से किया, और इस क्षेत्र में क्यों आई, और क्या कारण रहा इस क्षेत्र में आने का? जी, बेसिकली मैं प्रोफेशनली एक एचआर मैनेजर हूँ, तो बेसिकली मैं एचआर एडमिन देखती हूँ ऑफिसेस के। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, एंड ये फील्ड में मैं बचपन से बहुत ज़्यादा पैशनेट थी इस चीज़ के लिए, डांसिंग मेरी हॉबी है बचपन से, और मेरे स्कूल कॉलेज टाइम्स में मैंने बहुत से ऐसे एल्बम्स एंड गणपति के एल्बम्स हो गए, नवरात्रि के एल्बम्स में मैंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया, बट कुछ रीजंस के वजह से मैं नहीं कर पाई, जो अब मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों को वो काम देके उनकी वो चीज़ें अपने पास ले सकूँ। और निर्माता के तौर पर क्या आपका एम्बिशन है, क्या आपका महत्वाकांक्षा है कि आगे चलकर क्या करना है निर्माता के तौर पर? एज अ प्रोड्यूसर मैं यही चाहती हूँ कि मैं नए लोगों को, जो नए टैलेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकूँ। मैं एक, जैसे अभी हम लोग ने एक एल्बम बनाया है, अब हम लोग आगे वेब सीरीज़ का सोच रहे हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज सोच रहे हैं, हम लोग शॉर्ट फिल्म सोच रहे हैं, मतलब हम लोग सिर्फ अब फॉरवर्ड देख रहे हैं, हम लोग पीछे देखने का हमारे पास में कोई भी एक वैलिड रीज़न नहीं है, और जितने भी नए टैलेंट हैं हम उनको ही काम देना चाहते हैं। थैंक यू।